गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज हम ग्रो करेंगे एनीमोन के बल्ब। ये जो आपके सामने हैं पानी में मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तो ये एनीमोन के बल्ब है। इन्हें हम आज ग्रो करेंगे और इन्हें ग्रो करने का मैं तरीका बताऊंगा। बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं जो कहते हैं कि मैंने बल्ब लगाए और वो सड़ गए। तो दोस्तों वो सड़ते हैं ओवर वाटरिंग से और फंगस आने की वजह से। तो आप फंगस से बचाने के लिए उन्हें 2 घंटे के लिए फंगीसाइड का पाउडर जो होता है वो पानी के अंदर डाल दें थोड़ा सा, ताकि ये वाइट वाइट हो जाए, और इसके अंदर ये अपने बल्ब रखें। तो 2 घंटे भिगोने के बाद ये लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सोइल मीडिया हमें क्या लेना है? सोइल मीडिया हमें लेना है 30% नॉर्मल गार्डन सोइल, 50% सैंड और 20% वर्मी कंपोस्ट या डी कंपोस्ट काव डंक। कंपोस्ट का या डी कंपोस्ट काव डंक का 20% से ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना वो सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा दोस्तों ये फंगीसाइड बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों अभी जो मैंने पोट लिए हैं, ये छोटे छोटे पोट लिए हैं ताकि इनमें मैं ग्रो कर लूँ, उसके बाद उन्हें ट्रांसप्लांट में कर सकता हूँ। तो सोइल मिक्स करने के बाद हम अपनी मिट्टी को अपने पॉट में भरेंगे, और पॉट में भरने के बाद इन्हें जो हमारे बल्ब है वो रख देंगे। एक बल्ब की एक दूसरे से दूरी जो है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर की, नहीं 1.5 से 2 इंच की होनी चाहिए। और दोस्तों मैंने एक पॉट में 2 बल्ब लगा दिए हैं, इनका कोई ऊपर नीचे का सब एक जैसे होते हैं, ये आप जैसे मर्जी इन्हें लगा सकते हैं, प्लांट अपने आप निकल आएंगे। और ऊपर से हल्की हल्की लेयर से इसको कवर कर दें, ज्यादा गहरा इनको कवर नहीं करना, मैक्सिमम 1 इंच की आप लेयर बना सकते हैं मिट्टी की। अब दोस्तों सेकंड पॉट में इसी तरीके से लगा देंगे, पहले हम मिट्टी डाल लेंगे, और मिट्टी डालने के बाद उसे हल्का सा प्रेस करके दबा के और ऊपर से अपने जो बल्ब है वो रख देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों ये एनीमोन के बल्ब है। फ्लावर कैसे आते हैं वो आपको पिक्चर स्क्रीन पर दिख रही होगी, काफी खूबसूरत इस पे फ्लावर आते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो सबसे पहले दिमाग में होगा वो ये होगा कि मैंने ये खरीदे कहाँ से हैं। तो दोस्तों वेबसाइट स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। स्क्रीन पर वेबसाइट दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेट पर अच्छी क्वालिटी के बल्ब वहां पे अवेलेबल है, तो वहां से आप खरीद सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा, और इन्हें रखना है फुल सनलाइट में। अब दोस्तों जो हमारे प्लांट बल्ब हैं वो लग गए हैं, अब हमें इसके अंदर वाटरिंग करनी है। वाटरिंग इसमें हल्की रखनी है, इतना पानी नहीं देना कि इसके अंदर खड़ा हो जाए या मिट्टी सोगी हो जाए, सिर्फ इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। हल्का हल्का मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, ज़्यादा गीली ना हो। आप शावर के साथ पानी दें या फिर पानी दे तो ऊपर टॉप सॉइल पर हल्का हल्का पानी देते रहें ताकि हमारी मिट्टी गीली हो जाए। शेडेड एरिया में नहीं रखना, फुल सनलाइट में रखना है। और फर्टिलाइजर दोस्तों इसके अंदर जब प्लांट ग्रो हो जाए, फ्लावरिंग का टाइम इसका आ जाए, तो उस टाइम इसमें आप फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। दोस्तों इसमें फूल कब आएंगे? इसमें फूल जैसे मैंने अब लगाया है तो आप लगा सकते हैं इसको पूरा दिसंबर में कभी भी। और इस पर जो फ्लावर आएंगे वो आएंगे अप्रैल और मार्च के एंड में, तो इस पे फ्लावर आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।